घाटकोपर मेट्रो स्टेशन। तो हम पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं घाटकोपर खाऊ गली हमारा जर्नी स्टार्ट करने। जर्नी बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल है मुंबई का मेट्रो। अगर आप मुंबई के मेट्रो से घाटकोपर खाऊ गली आ रहे हो तो मैं भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन मैं बोल रहा हूँ इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। वरना आपके लिए एक और बेटर ऑल्टरनेटिव है, आप BSP बस से भी आ सकते हो, आप रिक्शा से भी आ सकते हो, लेकिन फॉर मी मुंबई मेट्रो इज़ अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर घाटकोपर। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हम पहुँचे हैं चीज़ ऑन फायर, और यहाँ पे दो डिश बहुत फेमस है, एक तो है जो पिज़्ज़ा शॉर्ट्स और दूसरा है तंदूरी मोमोज। तो हम यहाँ पे ट्राई करने एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर्स ने टेस्ट किए हैं और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो भी यहाँ पे आके और ट्राई करती है। तो सो वी विल ट्राई तंदूरी मोमोज एंड पिज़्ज़ा शॉर्ट्स। हम देख रहे हमारा पिज़्ज़ा शॉर्ट्स प्रिपेयर हो गया है, तो हम इसे टेस्ट करेंगे और हम इसे रिव्यू देंगे। तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस, शेज़वान सॉस और बहुत सारा कॉम्बिनेशन, और ऊपर से पानी पूरी का पूरी, तो ये बहुत ही डिफरेंट डिश है। तो हम इसे ट्राई करेंगे और हम इसे इसका रिव्यू करते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट आ रहे हैं, शेज़वान का, पिज़्ज़ा सॉस का, थोड़ा टैंगी लग रहा है। पूरी भी बहुत सॉफ्ट है डिस्पाइट फायर डालने के बावजूद। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब है, एंड आई थिंक लोगों को ये ट्राई करना चाहिए। मेरे को तो बहुत डिफरेंट लग रहा है और बहुत यूनिक लग रहा है, इट्स वेरी डिलीशियस। जैसे कि मैंने बोला ये बहुत टैंगी और बहुत ही डिलीशियस है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फूड। मैं तो लोगों को डेफिनेटली बोलूँगा कि आप इसको खाइए, और मेरा रेटिंग्स बहुत सिंपल है, 10 out of 10। एंड आई थिंक आप घाटकोपर खाओ गली आओ और पिज़्ज़ा शॉर्ट्स को आप डेफिनेटली ट्राई करो। पूरी भी मुझे प्रॉपर लगा, और मुझे पिज़्ज़ा सॉस जो भी लोग ने टॉपिंग्स डाले, मटेरियल डाले, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर इट, इट्स वेरी वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू। सो जैसे कि आप देख रहे हो ये तंदूरी मोमोज है, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉसेज है। ये है मेयोनीज, ये है शेज़वान चटनी, ये है तंदूरी मेयो, और ये है ट्रेडिशनल इंडियन ग्रीन चटनी। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने ऑर्डर की है तंदूरी पनीर मोमोज, तो हम इसे ट्राई करेंगे और हम इसे रिव्यू देंगे। तो हम पहले ट्राई करेंगे विथ मेयोनीज थोड़ा थोड़ा। मेयोनीज के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मोमो बहुत सॉफ्ट है, पनीर के टेस्ट आ रहा है, और मोमो में स्लाइट सा क्रिस्पीनेस भी है, सॉफ्टनेस भी है। ओवरऑल इस मोमो को बहुत बेटर और टेस्टी बनाता है। मैं अदर चटनीज के साथ भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि वो अच्छा है कि नहीं। विद शेज़वान चटनी ओके है, शेज़वान चटनी के साथ, लेकिन जो बात मेयोनीज में था वो बात किसी में नहीं है। Now we will try on tandoori mayo. Tandoori mayo के साथ what a combination. अगर आपको taste चाहिए real taste, तो मेरे हिसाब से आप tandoori mayo से try करो। Now we will try in desi green chutney. ये भी पूरा combination नहीं है, इसके साथ भी try कर सकते हो। अगर आपको किसी बेस्ट चटनी के साथ ट्राई करना है तो मेरा सजेशन यही है, आप तंदूरी मेयो और ट्रेडिशनल इंडियन ग्रीन चटनी से ट्राई करिए। अब मैं मोमो का रिव्यू देता हूँ। पनीर के टिक्के बहुत सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, हल्का सा क्रिस्पीनेस है, इसके वजह से ये ओवरऑल बहुत ही बेटर डिश है। मेरे हिसाब से आप इसे ट्राई कर सकते हो, और द वे इसका कॉस्ट है और ये इसका क्वालिटी है, मेरे हिसाब से इट्स ऑल्सो वन ऑफ अ टॉप नॉच डिश। एंड आई थिंक ये ट्राई आप अगर घाटकोपर खाओ गली आ रहे हो, आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये डिश है 10 out of 10, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिश। तो मैं यही मेरा सजेशन है, आप इनका दोनों डिश ट्राई करो। पिज़्ज़ा शॉर्ट्स भी बहुत अच्छा है और इनके तंदूरी मोमोज भी बहुत अच्छा है। तो मेरा रेटिंग तंदूरी मोमोज के लिए है 10 out of 10। सो
जैसे देख रहे हैं हमने अभी फर्स्ट डिश ट्राई की है पिज्ज़ा शॉर्ट्स, और ये हमारे ओनर सर है, आपका गुड नेम सर? तो सर ये आपका आइडिया कहाँ से आया आपकी आउटलेट का? सर ऐसे बस फ्रेंड्स बैठे थे, ऐसे बातों में दो चार डिश इमेजिन किए, उसके बाद में उसको ट्राई किए और फिर भी स्टार्टेड आउटलेट 4 ईयर्स बैक। सबसे ऊपर वाले की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग आते हैं, अच्छे रिव्यूज देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मोमोज बनाते हो, आप पास्ता बनाते हो, तो आपने कोई आपको आइडिया कैसा है कि हम लोगों को वैरायटीज में आप सर्व करें? बस आइडिया अभी बिजनेस ग्रो करना है तो फिर मल्टीपल ऑप्शन रखना पड़ता है, मल्टीपल ऑप्शन से फिर हम वैरायटी ऑफ डिशेस इन्वेंट किए, उसको ट्राई किए, उसके बाद में कस्टमर्स को मिला, उनका रिव्यू लिए, उनको अच्छा लगा, उसके बाद में भी कंटिन्यू विद द डिशेस। अच्छा यार, आप कब से चालू हो? ये 4 साल हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपका पिज़्ज़ा शॉर्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका तंदूरी मोमोज भी ट्राई करूँगा एंड आई विल गिव अ रिव्यू ऑन। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। थैंक यू। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन आए खाने के लिए, वी आर एट कैफे जेडुआ। सो हम कैफे जेडुआ में हम ट्राई करें उनका मोस्ट पॉपुलर डिश विच इज तंदूरी चीज़ मेयो थाउजेंड आइलैंड ट्विस्टर। सो जैसे देख रहे हैं ये हमारे हाथ में है थाउजेंड आइलैंड ट्विस्टर, सो हम इसे ट्राई करेंगे और हम आपके लिए रिव्यू देते। बहुत ही क्रिस्पी है इसका चीज़, इसका चिप्स। अब सॉसेज भी ट्राई करता हूँ, उसका मैं रिव्यू देता हूँ विथ सॉसेज। सॉस के साथ और डिलीशियस है, थाउजेंड आइलैंड चीज मेयो बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही फ्रेंच फ्राइज के बाद बहुत अच्छा डिश है, तो एंड आई थिंक ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और ये इसके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव है लोगों के लिए। अगर किसी को फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना है तो मेरे हिसाब से ये डिश बहुत बेटर है, और ये डिश एज यूजुअल बहुत ही बेटरिंग है। मैंने अभी टेस्ट किया हूँ, इसका चिप्स बहुत क्रिस्पी है, इसके सॉसेस के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही वंडरफुल है। इसमें सॉसेस के साथ एक बार मैं और ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको एक परफेक्ट रिव्यू देता हूँ, क्योंकि मैंने एक सॉस थोड़ा गिर गया था। बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, मैं तो बोलता हूँ आपको इसको ट्राई करना चाहिए, मेरा रिव्यू है 10 out of 10। किसी को अगर फ्रेंच फ्राइज या लेस का या बालाजी का चिप्स पसंद नहीं है तो मैं तो बोल रहा हूँ आप इधर आइए कैफे जेटुआ में, और आप यहाँ का थाउजेंड आइलैंड चीज़ मेयो ट्विस्टर ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम एंजॉयिंग माय ट्विस्टर। जैसा कि देख रहे हमने ऑर्डर किए हैं पनीर बेबी कॉर्न टिक्का, आपको मेकिंग हमने बताया, अब हम डिश ट्राई करेंगे और हम उस पर रिव्यू देंगे। सो लेट्स ट्राई दिस पनीर बेबी कॉर्न टिक्का प्लेट। पनीर बहुत सॉफ्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है, और अभी हम बेबी कॉर्न ट्राई करेंगे और बेबी कॉर्न का भी रिव्यू देंगे। बेबी कॉर्न थोड़ा सा ओके, ऐसा नहीं कि एकदम अच्छा बनाया है, पर और बेटर इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन पनीर का मेकिंग बहुत अच्छा है। बेबी कॉर्न उतना अच्छा नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट करते, जो हम नॉर्मली बेबी कॉर्न जो फ्राई करके तंदूर में मिला के हम खाते,
वैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं है। बट अदरवाइज अगर आपको सिर्फ पनीर टिक्का प्लेट खाना है तो आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। अदरवाइज मेरा सजेशन एक ही है, आप ये पनीर बेबी कॉर्न मिक्स प्लेट बिल्कुल मत खाइए, आप सिर्फ पनीर टिक्का प्लेट खाइए। और मेरा इसका रिकमेंडेशन है 7 out of 10 सिर्फ पनीर के लिए। मैं 3 marks काट रहा हूँ, बेबी कॉर्न मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी मैंने ऑलरेडी ट्राई किया पनीर बेबी कॉर्न टिक्का रिव्यू, और मैंने खा के रिव्यू भी दे दिया। वो हम इनके ओनर के साथ है। तो सर आपका नाम क्या है बताइए? प्रभाकर। ओके, आपके शॉप का नाम क्या है? हॉटस्पॉट। सो बेसिकली आपको आइडिया कहाँ से मिला ये पनीर टिक्का रोल्स वगैरह? काम है तो इसलिए आइडिया है कि सब उम्मीद करती है कि पनीर टिक्का है, मलाई टिक्का है, सब मलाई से मालूम ही पड़ता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन आपके पर्टिकुलर आइडिया का मिला होगा ना एक सोर्स से? नहीं, ऐसे तो हमारे स्टोरी की वजह से है, खाना में ऑपरेट तो ऐसे एक मिक्स जैसा मैं स्टार्ट किया तो उसने मैं ये नहीं डालने का वो नहीं डालने तो ऐसे करके आइडिया दिया। अच्छा, ये आपका दुकान का टाइमिंग? आपने कुछ प्लान किए हो एक्सपांशन करने का कि हम दूसरे एरिया में लगाएंगे कहीं, ऐसा कुछ प्लान है? नहीं, प्लान से कोई बात नहीं, हम लोग जब लगा रहे तो हम ट्राई करें कहीं ना कहीं से पुणे में ट्राई करने से हम लोग दिल्ली में ट्राई करने सोचे तो ऐसा मैनेजमेंट हो जाएगा तो हम लोग वहाँ भी चालू कर देंगे। ओके, बहुत अच्छी सोच है, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही लोगों को बढ़िया बढ़िया डिशेज खिला रही है और मैं बहुत चाहते हैं बढ़िया डिश खिलाए तो। एंड आई होप आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। एंड मेरा भी लोगों से रिकमेंडेशन है, आप इनका पनीर टिक्का प्लेट जरूर ट्राई कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मसाला सोडा ट्राई करने वाला हूँ, उसके पहले एक ट्रेडिशन है भैया जी का, तो हम इसको मार के उस सोडा का ये करना है, पुश करना है। तो जैसे कि देखे पुश किए और एक साउंड इफेक्ट सा निकला और हमने वीडियो निकाले। ये वाला गंदा हुआ, वाइट वाला। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मैंने कुछ ट्रेडिशंस ट्राई किए हमारे स्टोर का, जैसे पुशअप करके वो एयर का ये निकालना और फास्ट करके सिप पीना जो फाउंटेन जैसा निकलता है। तो हम एक नॉर्मली पी के देखेंगे कि ये इसका टेस्ट कैसा है। मैंने ऑर्डर किया मसाला सोडा स्वीट, लेकिन अगर आपको स्वीट पसंद नहीं है तो आप सॉल्ट में भी ले सकते हो। तो हम सिप करके ट्राई करते हैं और हम इसका रिव्यू देखें। सोडे का टेस्ट भी आ रहा है, थोड़ा स्वीट लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा 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 गोला पी रहे हैं हम, बट इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस तो है ही अच्छा और भैया ने सोडे का क्वालिटी भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम ट्रेडिशनल सोडा पी रहे हैं, भैया ने सोडा में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, मीठा वगैरह और इसमें काला खट्टा भी है, तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से बना है। मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मेरा रिव्यू है 10 out of 10 क्योंकि मेरे लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मसाला सोडा ट्राई कीजिए, अगर आपको स्वीट में पसंद है तो आप स्वीट में ट्राई करो, अगर आपको सॉल्टी पसंद है तो आप सॉल्ट में ट्राई करो। तो थैंक यू वेरी मच, लेट मी एंजॉय माई मसाला सोडा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमने अभी इनका मसाला सोडा ट्राई किया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए, जैसे फोर के वो साउंड निकालना फाउंटेन से, फाउंटेन जैसे इफेक्ट के थ्रू पीना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो हम आए हैं इधर केटकी मॉकटेल एंड जूस सेंटर में। तो भैया आप पहले अपना नाम बताइए। सो हेमंत जी, पहले तो ये बताइए आपको ये आइडिया कहाँ से है कि सोडा का बिजनेस ही करना? यूट्यूब से। बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आ गया। और ये इफेक्ट्स का क्या आइडिया है आपको, ये जो आप इफेक्ट्स तो हम अच्छे एक्सपीरियंस करवा रहे हो, इसका क्या पर्टिकुलर आइडिया है आपको? देखो, सबको एंजॉय करना है, कोरोना में सबकी हालत ख़राब हो गई है ना, चेहरे पे से हंसी चली गई है सब, तो नीचे उतरो, सोडा पियो, आओ एंजॉय। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है भाई, हेमंत भाई से,
कि लोगों को एंटरटेन करवा रहे हैं, हम भले ही पे कर रहे हैं बट उसके थ्रू हम एंटरटेन हो रहे हैं, और ये बहुत ही नोबल आइडिया है। तो भैया जी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका एंटरटेनमेंट का आइडिया तो बहुत बढ़िया है, आप लोगों को अच्छा टेस्ट का सोडा भी पिला रहे हो, तो मैं क्या बोला आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आप एक्सपांड करो, आप दूसरे एरिया में भी आप बिजनेस स्टार्ट करो फ्यूचर में? नहीं ऐसा कोई प्लान। ओके ओके, तो वैसे आपका बिजनेस करना भी नहीं, उल्टा मुझे देख के इंस्पायर हो, जो भी यंग जनरेशन है जो भी अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं किसी और के पास नौकरी कर रहे हैं, क्यों नौकर बनते रहना, उल्टा धंधा चाहते हैं, आओ मेरे पास मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, कहाँ से कौन सी चीज़ परचेस कर सकते हैं, कितने सस्ते में मिलेगी, जो गलती मैंने की है वो आपने नहीं की, तो मैं सिखा दूँगा। बेशक बेशक भैया, एक एंटरप्रेन्योर आइडिया दे रहे हमें कि हम कि आप लो लेवल का बिजनेस भी कर सकते हो, तो ये भैया ने सोच दिखाया कि कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता छोटा नहीं होता, तो बस बिजनेस इज अ बिजनेस, आप इनकम भी कमाओ और लोगों को एंटरटेन करो। सो भैया आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है? आपका बिजनेस एवरेज है का भी माहौल है वो हिसाब से, लेकिन लॉस है। ओके भैया, तो थैंक यू वेरी मच, मैं होप करता हूँ कि आपके बिजनेस और बढ़े, हमारा एक्सपीरियंस हमें एंटरटेन भी करा है, हमें डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिला है, सोडा का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, तो मैं आपसे यही होप करूँगा कि आपका बिजनेस अच्छा जाए, और मैं यूट्यूब के व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप आइए इनका मसाला सोडा पीजिए, आपको ना ही एंटरटेनमेंट मिलेगा बस आपको अच्छी क्वालिटी का सोडा भी मिलेगा, इट्स 40 रुपीज़ बट इट्स बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट एक्सपीरियंस। सो भैया थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। सो आज हम अपना वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं घाटकोपर काऊ गली में, जैसे कि हम देख रहे हैं हमने बहुत सारे डिशेस ट्राई किए हैं, सून आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा विद अ बेटर एक्सपीरियंस। सो व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं फेसबुक में भी हूँ, मैं ट्विटर में भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, और हो सके तो आप यूट्यूब में मेरा वीडियोस देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।